हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं हूँ दीपेश एंड हमारे साथ में है कैसर 240mm RGB वर्जन 2 वाला AIU एंड हम इसकी रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, उसका प्राइस चेक भी करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी कूलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सो लेट्स बिगिन। हाय गाइस, ये रहा हमारा बॉक्स AIU का। यहाँ पे टॉप में बॉक्स की क्वालिटी चेक करें तो बॉक्स की क्वालिटी बढ़िया है एंड यहाँ पे गेमर स्टॉर्म का लोगो है एंड यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आपको ये AIU का इमेज दिख रहा है एंड नीचे में सारे मदरबोर्ड के सिंक सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, जैसे पॉलीक्रोम सिंक ASRock की तरफ से आता है, MSI मिस्टिक लाइट आता है। तो ये मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इसका जो RGB कलर है उसे कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो इसे अभी ओपन करते हैं इस बॉक्स को। एंड दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइज के लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरे पास उतना अच्छा कैमरा एंड माइक नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करने की कोशिश करना। इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। और ये रहा हमारा AIU एंड सबसे पहले ये चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत कुछ है। ये रहा फैन, ये रहा हमारा RGB फैन। सो अरे यार, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे GameStorm का लोगो है और जो क्वालिटी है भी है फैन थोड़ा। मेरे पास एक डिफॉल्ट फैन है RGB का, वो बहुत पतला और लाइट वेट है। ये ऐसा फील हो रहा है कि ये भारी फैंस है, तो फैंस को अलग रख देते हैं अभी। ये बॉक्स रह गया था, ये भी एक फैन ही है। तो सबसे पहले ये बॉक्स में चेक करते हैं इसमें क्या है। इसमें शायद यूजर मैनुअल एंड ऑल दिस स्टफ शायद देखने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पे हमें ये शायद कंट्रोलर है हमारे पास। हाँ, सो इसमें हमें रिमोट, तो ये रिमोट है इस पॉलिथीन के अंदर निकलना, इतना सारा है कि क्या ये बताऊँ। मैं इसकी अनबॉक्सिंग पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आइडिया है। हाँ, तो जैसा कि देख सकते हैं ये रहा हमारा रिमोट इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके पास मदरबोर्ड में RGB सपोर्ट का भी सॉकेट नहीं है तो आप इस रिमोट से भी इसके RGB कलर्स को चेंज कर सकते हो। इसको साइड रख देते। और बॉक्स में क्या मिलता है एंड हाँ, इसमें वो है, ये हैवी सी सारी स्क्रू माउंटिंग किट है जो हमें AIU को मदरबोर्ड पे लगाने में काम आएगी। सो साइड रख देते हैं। एंड ये रहा एक यूज़र मैनुअल, क्या लिखा है देखते हैं थोड़ा। ओहो, डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, अभी इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में हो जाए बेटा। चलो इसको साइड में रखते हैं। अब बारी आई हमारे AIU को निकालने की। निकल जा मेरे भाई। ये रहा रेडिएटर और ये रहा पंप। ये रहा हमारा पंप, निकाल के देख लेते। ओहो ओहो, देखो आप, बहुत ब्यूटीफुल है और बड़ा है, बहुत सही चीज़ है। ये बैक में जो सेंटर में दिख रहा है थर्मल पेस्ट है, प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आता है और हमें फिर खुद से खरीदने की ज़रूरत नहीं है थर्मल पेस्ट को। इसमें प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट लगा हुआ है तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अटैच करना है CPU के ऊपर। एंड ये रहा हमारा 240mm का रेडिएटर। एंड ये रहा मेरा कैबिनेट, इसको मैंने ओपन करके रखा हूँ और मुझे अभी फिर भी 15-20 मिनट्स लग जाएंगे इस कैबिनेट को पूरा खोलने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे अपनी AIU के फैंस को लगाने वाला हूँ, यहाँ के फैंस को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, पर यहाँ पे सीधे में यहाँ पे।
हमारे पंप एंड रेडिएटर को यहाँ पे लगवा दिया है, ठीक है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद लगा है। पहले तो मैंने उल्टा लगा दिया था स्क्रू, फिर मैंने सीधा किया, बराबर किया एंड यहाँ पे मेरा PIO पूरी तरीके से माउंट हो गया है। अब आती है कनेक्शंस की बारी, तो यहाँ पे कनेक्शंस के गाइड हमें यूज़र मैनुअल रेफर करना होगा। तो ये जो दो फैन है, ये किसी दो एक फैन हब है एंड एक RGB हब है, तो उन दोनों पे जाके कनेक्ट होता है एंड वो जाके अपने मदरबोर्ड के RGB एंड फैन कनेक्टर में लग जाएगा। एंड यहाँ पे सारे कनेक्शन हो गए। अभी तो मैंने इस कनेक्शन को सारा ओपन किया है, वायर मैनेजमेंट नहीं किया है, बट मेरा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। मैं इसे शुरू कर सकता हूँ अभी, तो देखते हैं इसे शुरू करके। अपने AIU को अपने सिस्टम पे माउंट कर दिया है एंड ये चल भी रहा है। एंड ये मैंने CPU Z ओपन करके रखा है एंड जो आइडियल कंडीशन पे इसका जो टेम्परेचर रहता है वो है 38-39-40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है बस, बिकॉज मेरा जो एरिया है वो थोड़ा गर्म है, तो इस केस में 40 डिग्री जाना ठीक है। सो आइडियल कंडीशन में 40 डिग्री सेल्सियस तक रीच होता है इसमें प्रोसेसर का। एंड मेरा जो प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 3600, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं इस स्ट्रेस टेस्ट को शुरू करता हूँ, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस टेस्ट शुरू करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट शुरू कर दिया एंड मेरा जो वो प्रोसेसर है वो लगभग फुल पोटेंशियल पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोड है। एंड जो टेम्परेचर है वो देख सकते हो आप 76 डिग्री 76, मैक्स टू मैक्स मैंने इस पर 77 या 78 डिग्री सेल्सियस तक देखा है, जिसका टेम्परेचर होगा 77 से 78 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। ये PIO उसके ऊपर जाने नहीं देता है। देख सकते हैं मेरा जो प्रोसेसर है वो फुल पोटेंशियल पे चल रहा है, इस पर पूरा फुल लोड है। स्ट्रेस टेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड जो टेम्परेचर है वो ओनली 77 और 78 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है PIO के लिए। सो इस प्राइस रेंज पे अगर ऐसा PIO आप ढूंढ रहे हो जिस जो RGB सपोर्ट करता है, जिसमें RGB फीचर्स हो एंड उसकी जो कूलिंग है वो भी बढ़िया रहे, तो ये AIO आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लुक्स के मामले में भी नंबर वन है एंड कूलिंग टेम्परेचर जो है वो भी उसके मामले में भी परफॉर्मेंस के मामले में भी बढ़िया है। सो मैं इसको अगर रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 8 दे दूंगा मैं इसे, बिकॉज ये AIO बढ़िया लग रहा है लुक्स में भी एंड कूलिंग के मामले में भी नंबर वन है। अगर आप ये AIO को एकदम लोएस्ट प्राइस पे खरीदना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं मेरे चैनल में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ये कंप्यूटर कंपोनेंट या AIO खरीदने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे AIO ने 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अभी तक नहीं गया है, तो AIO जो है वो बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।